लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मकसद ये होता है कि वो हाई फाइबर रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो कंज्यूम होते हैं और देर तक आपके जिस्म में रह के आपको ग्लूकोज देते रहते हैं और एकदम आपका ग्लूकोज का सर्ज बढ़ाते नहीं हैं। तो ऐसे जैसे हम दलिया खा सकते हैं, हम आलू ले सकते हैं, हम ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हम अपनी सहरी में ले सकते हैं, हम स्किम दूध ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं प्रोफेसर हारिस अलवी हूं और तकरीबन कोई 30 साल से मैं सिविल हॉस्पिटल और डॉ मेडिकल कॉलेज में किसी न किसी तरह से वाबस्ता हूं और आजकल मैं यहां पे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूं। और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि एक दफ़ा फिर इस तरह आप लोगों से मैं रबते में हूँ और गेट्स फार्मा हमें हर दफ़ा ये मौका देती है कि हम अपने मरीज़ों के साथ, अगर सबके साथ एक साथ ना मिल सकें तो इस तरह कोई पैगाम दे सकें। आपको मालूम है कि अब रमज़ान की फिर आमद आमद है और ज़ाहिर है हमारे डायबिटिक लोग जो, और ये ज़ाहिर है एक ऐसा महीना हमारे पास होता है कि जिसमें ज़ाहिर है सब लोग इबादत करना चाहते हैं और अल्लाह ताला और अपने मामलात को अच्छा रखना चाहते हैं, तो रोज़ा ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी इबादत है और एक मेरा ख्याल है मुकम्मल तरीक़ा है जिससे आप अपने अल्लाह को, अपने जिस्म को और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर करते हैं। और रोज़ा रखना हर एक का हक़ है, तो ज़ाहिर है शुगर के मरीज़ों को भी रोज़ा रखने का पूरा चांस होना चाहिए। दरअसल आपको पता है कि दो तरह की शुगर है, एक जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत है और एक वो जो इंसुलिन के बग़ैर गोलियों से ठीक हो जाते हैं। तो जो इंसुलिन वाले लोग होते हैं उनके साथ ज़रा मामलात, उनके स्टोरेज जो ग्लूकोज के होते हैं अंदर जिस्म में वो कम होते हैं और उसकी वजह से उनकी फास्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। तो मेरा ये ख्याल है कि जो टाइप 1 डायबिटिक लोग हैं वो तो अपने इस रोज़े से ज़रा इज्तनाब करें या परहेज़ करें, वो और इबादत में शामिल हो के और लोगों के रोज़े खुलवा के और किसी तरह से अपने दिल की तस्कीन करें और अल्लाह को राज़ी करें। लेकिन जो टाइप 2 लोग हैं वो अपने रोज़े रख सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनकी शुगर का कंट्रोल कितना अच्छा है। हम बहुत परेशान होते हैं कि हम हफ्ता सहरी में क्या खाएं, किस तरह की चीज़ लें। तो देखिए ये जो खाने हैं इनको हम कई तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मकसद ये होता है कि वो हाई फाइबर रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो कंज्यूम होते हैं और देर तक आपके जिस्म में रह के आपको ग्लूकोज देते रहते हैं और एकदम आपका ग्लूकोज का सर्ज बढ़ाते नहीं हैं। तो ऐसे जैसे हम दलिया खा सकते हैं, हम आलू ले सकते हैं, हम ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हम अपनी सहरी में ले सकते हैं, हम स्किम दूध ले सकते हैं। और जहाँ तक खजूर का ताल्लुक है तो खजूर भी ऐसे तो नहीं है कि खजूर की खुली इजाज़त है, लेकिन ज़ाहिर है खजूर हमारे रसूल अपना रोज़ा अफ्तार और रखते थे खजूर के साथ, तो खजूर के साथ हर मुसलमान की बड़ी एक दिल से रबता है उसका। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर एक खजूर आप अपनी सहरी में खाएं और एक खजूर आप अपने अफ्तार में खाएं तो ऐसा कोई शुगर पे उसका ऐसा असर नहीं आएगा। लेकिन देखिए ये एक महीने की दास्तान नहीं है, ये आपने जो 11 महीने अपनी शुगर को कंट्रोल रखा है, जिस तरह आपने उसका ख्याल रखा है, तो ज़ाहिर है वो आपको गुंजाइश देगी कि आप इस रमज़ान में वो खजूर का इस्तेमाल कर सकें और उसका रोक के इस्तेमाल कर सकें ताकि आपकी शुगर और उसके कोई और मामलात आपको परेशान ना करें। दूसरी सूरत ये है कि ज़ाहिर है हमारे पास लोग पराठे, पूरियां और इस तरह के खीमे, बड़े के गोश्त के और बहुत कुन्ने और इस तरह के खाने खाते हैं, तो ये कतई इसकी इजाज़त नहीं है कि आप ये चीज़ें से रोज़ा रखें और अफ्तार में आप बहुत किस्म के तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो ये अच्छी नहीं है। लेकिन आप चाट खा सकते हैं, उस चाट में कोई शक्कर इस्तेमाल ना करें। आप ऐसा कोई शरबत नहीं है कि जो शुगर फ्री हो, लेकिन बहरहाल इस मुल्क में ये सिलसिला चलता है और हर आदमी शुगर फ्री के चक्कर में लगा रहता है। तो मेरा ख्याल है लस्सी अच्छी है अगर वो मीठी ना हो, और अगर आपको ब्लड प्रेशर ना हो उसके साथ तो आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही खा सकते हैं, उससे आपका रोज़ा अच्छा रह सकता है। और हमारे जो पल्सेस होती हैं, ये जो हम बीन्स खाते हैं ये खा सकते हैं, कुछ आप ड्राई फ्रूट में बादाम खा सकते हैं।
आपको पता है कि आपके पास शुगर का इंस्ट्रूमेंट है, आप शुगर चेक कर सकते हैं। तो किसी भी इंतहाई कैफियत में जहां आपको लगे कि आपको कप कपीसी लग रही है, पसीना सा आ रहा है, दिल की धड़कन तेज़ लग रही है, तो ये लो शुगर होने की निशानी है। आप अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि शुगर चेक करने में किसी किस्म का खून के निकलने में जो एक स्पॉट शुगर चेक होती है ग्लूकोमीटर से, उससे आपके रोज़े को कोई तकलीफ़ हो जाएगी। आप ज़रूर चेक करें, अगर आपका एक एतमाद भी बहाल होगा अगर शुगर लेवल सही आया, अगली दफ़ा उस कैफियत को आप बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन अगर ऐसी कैफियत है और शुगर लो है, तो मेरा ख्याल है कि आप अपना रोज़ा खोल लें और आइंदा ख्याल रखें कि इस तरह का रोज़ा ना रखें। और मैंने जैसे कहा शुरू में कि वो काम करें जो हम रोज़ा ना रख के उस इबादत को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं और अल्लाह को और अपने दीन को राज़ी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।